नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के द ओवल में पहला वनडे मैच भारतीय टीम ने 10 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया है। जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 110 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 18.4 ओवर में 114 रन बनाकर मैच को जीतने के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं इस मैच में भारतीय बल्लेबाजी के दौरान एक बड़ी घटना घटी। मेजबान इंग्लैंड द्वारा दिए गए छोटे से 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के कप्तान और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा लय में दिखे और ताबड़तोड़ नाबाद 76 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके जड़े। वहीं मैदान पर रोहित शर्मा के 1 छक्के से भारतीय क्रिकेट के नन्ही फैन चोटिल हो गई। रोहित शर्मा ने अपनी पसंदीदा पुल शॉट को स्क्वायर लेग की दिशा में जड़ा, जहां दर्शक दीर्घ में बैठी एक छोटी सी बच्ची को गेंद जा लगी, जहां इस शॉट के बाद कुछ मिनट के लिए मैच को रोका गया, जहां चोटिल लड़की को तुरंत देखने के लिए इंग्लैंड के फिजियो पहुंचे और जांच किया। वहीं बच्ची को ठीक पाया गया, जिसे देख सारे फैन बेहद खुश लगे। घटना 5वें ओवर की है, जहाँ ओवर की तीसरी शॉर्ट पिच गेंद पर रोहित ने अपना पसंदीदा पुल शॉट लगाया। गेंद और बल्ले का जबरदस्त संपर्क हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। कैमरा में साफ दिखा गया कि रोहित शर्मा के जबरदस्त छक्के से एक छोटी सी बच्ची चोटिल हो गई। मौके पर बच्ची रोने लगी। इसके बाद बच्ची को पास में खड़े उनके परिवार वालों ने गोद में उठाया। इसके बाद मैच को फिर से चालू किया गया, जहां उसके बाद मैच में रोहित शर्मा ने कुल 5 छक्के जड़े। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।